वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज है 25th ऑफ फेब और अभी टाइम हो रहा है 9:20। तो अभी हम लोग 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेड ऑमलेट लिया है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे दिल्ली जाके मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग। तो बने रहिए। ब्रेकफास्ट करके उठी तो हम लोग सोनीपत क्रॉस कर रहे थे और वन एंड हाफ आवर टू रीच दिल्ली। तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी हम लोग दिल्ली। हमारे सामने वाली सीट के तीनों लड़के डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे तो ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जीके के लिए। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा, प्रिपरेशन भी काफ़ी तगड़ा है। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली और ट्रेन एकदम करेक्ट टाइम पे था, राइट टाइम पे हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोग अजमेरी गेट की तरफ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एग्ज़िट की तरफ ही आपको मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो यहीं से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा तो आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज दिख जाएगा। तो यहीं से आपको सीढ़ियाँ चली जाती है नीचे की तरफ, वहाँ है एग्जीक्यूटिव लाउंज। वीआईपी एसी वेटिंग एरिया में तो यहाँ पे पर आर चार्जेस है 10 रुपीज़ पर आर, नॉमिनल चार्जेस हैं। और यहाँ पे फूड आपको लेना पड़ेगा अलग से, फूड भी अवेलेबल है, ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप लोग आराम से वेट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट ट्रेन है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ एसी वेटिंग रूम में। वैसे तो हम लोग एग्जीक्यूटिव लाउंज में जाने वाले थे पर कोविड के कारण अभी ये बंद है फ़िलहाल, तो इसीलिए यहीं पे आ गए हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, आप लोग रेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे फूड भी अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे आपको वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अब मील भी ले लो और अगर 3-4 घंटा वेटिंग है आपका नेक्स्ट ट्रेन में तो यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो। मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन कोलकाता, तो यहाँ से हावड़ा राजधानी है हमारा 4:50 PM के करीब और अभी हो रहा है 11:45, तो अराउंड 4 आवर वेटिंग है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो और फिर नेक्स्ट ट्रेन पकड़ सकते हो। तो ये मैं रेकमेंड करूँगी, ये अजमेरी गेट के पास है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ आके अगर दिल्ली में आपके नेक्स्ट ट्रेन में थोड़ा बहुत टाइम है, 2-3 घंटे हैं, तो यहाँ आके आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रेन ले सकते हैं यहाँ से।
तो ये मेरा इंफॉर्मेशन है, एक टिप है आपके लिए। हम लोग अभी ये फूड काउंटर पे आ गए हैं। यहाँ पे दाल, राइस, फ्राइड राइस, पनीर, रायता सब कुछ दिख रहा है। ऊपर सैंडविचेस हैं, बर्गर है और सारे चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है। और हमने यहाँ ले लिया है एक एग थाली और एक पनीर थाली। तो दाल इसमें कॉमन है, अरहर की दाल है, और राइस, पराठा, एक दही हमने अलग से ले लिया है कर्ड यहाँ पे, और जो बेसिक रहता है वही सब है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, लंच कर देते हैं। अचार इतना खट्टा है तो खा क्यों रहे हो? लंच करके ही हम लोग आ गए थे प्लेटफॉर्म पे, और ये देखिए हावड़ा राजधानी एंटर कर रहा है प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म नंबर 15 में आता है, और हम लोगों ने फिर ट्रेन बोर्ड कर लिया। स्टेशन काफ़ी क्लीन है, इतना रश होते हुए भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। तो हम लोग चढ़ गए हैं राजधानी में, बहुत सालों बाद फिर से हावड़ा राजधानी से कोलकाता जा रहे हैं। तो वही सेम एक्सपीरियंस है, आई थिंक 4-5 years पहले हम लोग लास्ट टाइम गए थे वहाँ राजधानी से कोलकाता। तो नॉस्टैल्जिक लगता है एवरी टाइम हावड़ा राजधानी से कोलकाता जाना, हावड़ा स्टेशन में एंटर करना। तो ये हमारा लास्ट लेग है जर्नी का, तो वही उधमपुर से दिल्ली, और फिर अभी दिल्ली से फाइनली राजधानी से हम लोग जाएंगे कोलकाता। तो चलिए ये सफ़र भी कट जाएगा, और कल मॉर्निंग 26th हम लोग कोलकाता पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं साथ में। हावड़ा राजधानी में हमें सब बंगालीज मिल गए, बहुत दिन बाद इतने सारे बंगालीज के साथ सफ़र कर रहे हैं। और एक डिस्क्लेमर, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं इवन राजधानी से, अभी ड्यू टू कोविड आपको बेडशीट और ब्लैंकेट कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग तो वैसे सब कुछ कैरी कर ही रहे हैं, और राजधानी में भी फूड अवेलेबल नहीं है। फूड मतलब पैंट्री से वो लोग पैक फूड तो दे रहे हैं, पर जैसा पहले मिलता था वो नहीं है। तो वो आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा, या फिर अलग से परचेज करना पड़ेगा, अलग से फूड लाना पड़ेगा। तो वो देख लीजिए, कोविड के टाइम पे अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये ना अंकल चश्मा नहीं सब, हां चश्मा नहीं ना चश्मा, हां थोड़ा और। इधर भी हमारा एक छोटा सा दोस्त बन गया है, तो इसके साथ हमारा जर्नी अच्छा हो गया, टाइम पास हो गया अच्छा ही। जा छेड़ लो, राजधानी एज यूजुअल राइट टाइम पे थी, और 4:51 में राजधानी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना हो गई।
और सफ़र की शुरुआत गर्म गर्म चाय के साथ। तो वो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है। डिनर तो हल्दीराम्स का पैक्ड फूड था जो उतना अच्छा नहीं था, पर यहाँ एक आंटी मिल गई तो उन्होंने हमें फूड ऑफ़र किया, तो उनका फूड बहुत ही अच्छा था तो पेट भर गया हमारा। और अभी टाइम हो रहा है 9:45, लाइट्स ऑफ हो गए हैं और ट्रेन में तो पता ही है सब अर्ली टू बेड, तो अभी सो जाएंगे और कल मॉर्निंग 10 बजे तक कोलकाता पहुंच जाएंगे। अराउंड 10 AM हावड़ा रीच करेंगे, तो सुबह मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। बंगाल से सभी को सुप्रभात। Some early morning chit chat with fellow Bong passengers. और हम सब आ गए हैं कोलकाता में। वेलकम टू कोलकाता। ये देखिए निकलते ही ये है हावड़ा ब्रिज और आपको दिख रहे हैं सारे येलो टैक्सीज। ये है हमारा आइकॉनिक हावड़ा स्टेशन, बचपन से यहाँ आती रही हूँ। ढेर सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इसी हावड़ा स्टेशन से। यहाँ से मैं कितनी जगह जा चुकी हूँ यहाँ से ट्रेन पकड़ के, तो ऑलवेज इट्स क्लोज टू माई हार्ट। ये है हावड़ा का न्यू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 17-23 है एंड ओल्ड कॉम्प्लेक्स में है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1-16। तो हमने ओला बुक किया था तो ये पार्किंग 2B में पार्क था, तो हमें पीछे न्यू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना पड़ा। वहाँ से रोड क्रॉस करके हमें अपना ओला मिल गया, तो यहीं से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए घर चलते हैं। और हमें सामने ही हावड़ा ब्रिज दिख रहा है और ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर से ही हम लोग जाएंगे। तो देखिए सामने येलो टैक्सी जा रहा है हमारे। अभी हम लोग चढ़ेंगे हावड़ा ब्रिज पे। हावड़ा ब्रिज इसका पॉपुलर नेम है, एक्चुअल नेम ऑफिशियल नेम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर रविंद्र सेतु है। ये हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है ये ब्रिज, और ये हुगली रिवर के ऊपर से जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1936 में और कंप्लीट हुआ अराउंड 1942, और ये ओपन हुआ पब्लिक के लिए 1943 में। तो ये है हावड़ा ब्रिज की हिस्ट्री। कैलकाटा का रश दिख रहा है हमें, इतना ज़्यादा क्राउड एंड टू मच ट्रैफिक, पर मैं यही काफ़ी मिस करती हूँ इसी ट्रैफिक में और इसी क्राउडेड सिटी में। मैं बड़ी हुई हूँ यहीं पे, मेरा जन्म हुआ है, सो इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट। आई रियली मिस सिटी लाइफ अ लॉट एंड यहाँ आके मुझे वही सिटी लाइफ जीने का मौका मिल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ कोलकाता, अभी टोटली एग्जॉस्टेड हूँ, तो ब्लॉग यही एंड करती हूँ।
कोलकाता के और ढेर सारी हलचल जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट ज़रूर करना। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Crossing the famous Big Ben of Lake Town.